दोस्तों आज से कुछ समय पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मोहतरमा बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिनका नाम सौम्या पोखरेल है। और उसको वायरल होने का कारण ये था कि ये मैडम पावर स्टार को नहीं जानती थी। कौन है पवन जी? वेल दोस्तों अब काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब ये मोहतरमा पावर स्टार के नए नए गानों पर रील बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये पहले भी पावर स्टार के गानों पर रील बनाया करती थी, लेकिन दोस्तों इतना सारा कंट्रोवर्सी करने के बाद भी ये फिर से उनके ऊपर रील बना रही है। और दोस्तों हाल ही में ये मोहतरमा पावर स्टार के भाई ऋतिक सिंह के साथ दो वीडियो सॉन्ग में नजर आई हैं। हालांकि इस बात को पचाना थोड़ा पावर स्टार के फैंस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो इंसान पावर स्टार की इतनी बेइज्जती कर सकता है उसको पावर स्टार के भाई खुद काम दे रहे हैं। और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पावर स्टार के लिए गाना भी डेडिकेट किया है। कौन सर के लिए स्पेशल में गा दियो? काहे खिसे आई बड़ जान ले बुका हो। कौन है पवन जी? पवन सिंह का तो ये गाना काफी पुराना है, लेकिन फिर भी इस मोहतरमा को ये गाना बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसके बाद जब मैडम से पूछा गया कि क्या आप इन फ्यूचर पावर स्टार के साथ काम करना चाहेंगी, अगर पवन सिंह आपको ऑफर दे अपने गाने में काम करने के लिए, तब शायद मैं नहीं करूंगी। मतलब आप काम करना चाहेंगे? क्यों नहीं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब दोस्तों सौम्या पोखरेल को ऋतिक सिंह के तरफ से सपोर्ट तो मिल ही रहा है। क्या आप सब पावर स्टार के साथ सौम्या पोखरेल का गाना सुनना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिए तो ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते हैं, काम पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और दोस्तों मेरा तो ओपिनियन यही है कि पावर स्टार कभी इसके साथ काम ना करें। हम जिसको जानते नहीं है जबरदस्ती है क्या भाई, हम जान लो उसको। वैसे आप सब अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा।